हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन होता है, और अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की तो इसका 65% हिस्सा ऑक्सीजन के ही किसी न किसी फॉर्म से बना हुआ है। सिर्फ इंसान ही नहीं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जानवर की लाइफ के लिए ऑक्सीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यही कारण है कि हम अब तक ये मानते थे कि ऑक्सीजन के बिना कोई भी एनिमल जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन पिछले महीने यानी कि फरवरी 2020 में इसराइल के तेल अविव यूनिवर्सिटी के कुछ बायोलॉजिस्ट ने एक ऐसे एनिमल के बारे में बताया जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। इस एनिमल का नाम हेनिगुआ सैल्मेनिकोला है, और ये एक प्रकार का पैरासाइट है। आई एम श्योर कि आप ये बात सुनकर काफी सरप्राइज्ड हुए होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहना कोई नई बात नहीं है। आज से करीब 150 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, तब भी बहुत सारे माइक्रोबियल बैक्टीरिया यहाँ एग्जिस्ट करते थे। ज्यादा दूर ना जाते हुए अगर हम अपने गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट यानी कि अपनी इंटेस्टाइन में ही देखें, तो इसमें 500 से भी ज्यादा ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। इनमें से बाइफिडो बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस और बैक्टेरॉइड्स कुछ जाने माने नाम है। तो फिर हेनिगुआ सैल्मेनिकोला में ऐसा क्या खास है कि दुनिया भर के लोग इसको लेकर इतने एक्साइटेड हो रहे हैं? वेल, अभी तक हम बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करने वाले जितने भी जीवों के बारे में जानते थे वो सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स थे, यानी कि उनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई थी। अब क्योंकि एक सेल वाले जीवों की बॉडी में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता, तो वो बिना ऑक्सीजन के भी काम चला लेते हैं। लेकिन हेनिगुआ सैल्मेनिकोला यूनिसेल्यूलर नहीं बल्कि मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से बनी हुई है। दरअसल ये एक पैरासाइट है जो सैल्मन फिश की बहुत सी प्रजातियों के अंदर पाया जाता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि पैरासाइट्स वो जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव की बॉडी के अंदर रहते हैं। हेनिगुआ सैल्मेनिकोला के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स नहीं होते हैं, और इसलिए वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर पाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको माइटोकॉन्ड्रियल के बारे में भी जान लेना चाहिए। बचपन में पढ़ी बायोलॉजी चाहे आपको याद हो या ना हो, लेकिन आपको ये लाइन तो जरूर याद होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल को हर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी देता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स होते हैं, और ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, तो इसमें प्रोड्यूस्ड एनर्जी माइटोकॉन्ड्रियल में एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इसी एनर्जी से मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने डेली प्रोसेस परफॉर्म कर पाते हैं, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुई इस प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन अब क्योंकि हेनिगुआ सैल्मेनिकोला में माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स होते ही नहीं, तो वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन वो ऐसा करते कैसे है? यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर वो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते तो वो जिंदा कैसे है? और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के चल कैसे रहा है? इसकी डिस्कवरी करने वाले टीम के लीडर डी हुकॉन कहते हैं कि फिलहाल उनके पास इन सभी सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं है। हो सकता है कि ये सैल्मन के अंदर के सेल से ही किसी तरह से एनर्जी को रिसीव कर रहा हो, लेकिन ये इस डिस्कवरी के इनिशियल स्टेजेस है। फिलहाल तो हम इंसानों को इसी बात की खुशी मनानी चाहिए कि आखिरकार हमें एक ऐसा जीव मिल चुका है जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। ये न सिर्फ पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत और इसके रहस्यों को जानने में मदद करेगा, बल्कि फ्यूचर में स्पेस एक्सप्लोरेशन और एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लाइफ फॉर्म की डिस्कवरी करने में भी हेल्पफुल होगा। कुछ साइंटिस्ट ने सैल्मेनिकोला के इस अजीब बिहेवियर के बारे में एक इंटरेस्टिंग थ्योरी सबके सामने रखी है। उनका मानना है कि ये जीव रिवर्स एवोल्यूशन का शिकार हो गया है। इसे हम डेवोल्यूशन या फिर जेनेटिक सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि हेनिगुआ सैल्मेनिकोला के पूर्वज जेलीफिश की फैमिली के सदस्य थे, लेकिन समय के साथ वो जेलीफिश के कैरेक्टरिस्टिक्स को खोते गए। आखिर में उनके पास सिर्फ जेलीफिश की तरह कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर और स्टिंगिंग सेल्स ही बची है। स्टिंगिंग सेल्स वो होती है जिनसे जेलीफिश अपने दुश्मनों की बॉडी में जहर छोड़ती है। माना जा रहा है कि समय के साथ ये स्टिंगिंग सेल्स इवॉल्व हो गए हैं, और अब इनसे ये जीव अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एनर्जी प्राप्त करता है। वैसे अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर कोई इंसान सैल्मन मछली को खाता है तो क्या उसकी बॉडी में भी ये ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाएगा? इसका जवाब है हाँ। अगर सैल्मन फिश आपकी बॉडी में एंटर कर रही है तो उसके साथ ये पैरासाइट भी आपकी बॉडी में एंटर करेगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर इसके बारे में हमें जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी
वैसे वैसे हम साइंस की फील्ड में फायदेमंद होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके हेनिगुआ सैल्मनिकोला के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।